तो हेलो गाइज, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं लकी एक्सपेरिमेंट। तो गाइज, आज की वीडियो में हम सिंपली से लिथियम आयन बैटरी है होती है जो हमारी बैटरी 3.7 वोल्ट की, तो उससे हम एक 12 वोल्ट की बड़ी वाली बैटरी बनाने वाले हैं। तो गाइज, हमारे पास तीन सेल है, ये 2000 mAh के तीनों, एंड इसमें वाट आवर जो है वो वाट आवर 7.4 वाट आवर। तो गाइज, इनको हमें माइनस प्लस में जोड़ लेना है, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है। इसमें हमें बैटरी बनानी रहती तो कैसे जोड़ते हैं हम, तो सिंपली से देख सकते हो आप, फर्स्ट वाले सेल को सेकंड वाले के माइनस प्लस से जोड़ लेना है, और सेकंड वाले को थर्ड वाले के माइनस प्लस से। एंड जो बचे हुए दोनों वायर होंगे वो हमारे पूरी 12 वोल्ट की बैटरी के माइनस प्लस वायर हो जाएंगे। तो एंड गाइज, हमारी लिथियम आयन सेल में प्रॉब्लम क्या आती है, जब हमें सोल्डरिंग करते हैं वायर को किसी के भी, तो इसमें सोल्डरिंग वायर जो होता है वो चिपकता नहीं है। तो गाइज, इसके लिए गाइज हमारे पास एक आइडिया है। तो गाइज, सिंपली से इसके ऊपर हमें फेविक्विक डाल देना है हमारे सेल के ऊपर, एंड फिर हमें सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग कर देना है। तो गाइज, आपको करके बताते हैं हम। सबसे पहले तो हमारे पास सोल्डिंग आयरन हमें ले लेना है, पहले सबसे पहले इसमें थोड़ा सोल्डिंग आयरन हमें आयरन के अंदर ही लगा लेना है। तो गाइज, जब तक हम सोल्डिंग कर रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। आप क्या है, वीडियो देखते हो पूरी पर वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो गाइज, देख सकते हो आप, अभी हम इसको फटाफट से सोल्डिंग कर लेते हैं, एंड गाइज देख सकते हो गाइज आप। एंड तो गाइज, हमने सोल्डिंग कर लिया है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से सोल्डिंग हुआ है हमारा इस आइडिया से, एंड ये अब हटेगा नहीं हमारा शोल्डर। तो गाइज, बस ये थोड़ा सा एक तरफ से हीट हुआ इसलिए जल गया इसका कवर थोड़ा सा, बाकी काफ़ी अच्छी तरीके से ये शोल्डिंग हुआ है हमारा। तो गाइज, आप देख सकते हो, एंड आप भी शोल्डिंग कर सकते हो। गाइज, इसी तरह हमने हमारा पहले वाले दोनों सेल वो भी कर रखे हैं, ये देख सकते हो आप हमारा ब्लू वाला, बस हमारा एक और सेल बच रहा है ये वाला। तो गाइज, इसको भी हम कर लेंगे शोल्डिंग, एंड गाइज तीनों से हम बैटरी बना के फिर आपको बताते हैं। तो गाइज, देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी तरीके हमारा 12 वोल्ट की बैटरी बनी है, एंड ये काफ़ी अच्छा बैकअप है इसका, मतलब ये 6000 mAh की, मतलब 6 AH की बैटरी बन चुकी है हमारी, एंड इसकी पावर काफ़ी आई है, क्योंकि तीनों सेल का जो हमारा वो होता है 7.4 वाट आवर, ये तीनों का 7 21 वाट आवर के करीब कुछ हुआ है। तो गाइज़, आपको हम सबसे पहले मल्टीमीटर में चेक करके बता देते हैं। तो गाइज़, ये मल्टीमीटर हमने ऑन कर लिया है, एंड इसको DC पे सेलेक्ट कर लेना है हमें 20 पे। तो गाइज़, मल्टीमीटर में हम हमारा वोल्टेज चेक करते हैं बैटरी का, कितना वोल्टेज इसमें आ रहा है। तो गाइज़, इसमें अप्रोक्स आ रहा है 11.76 के आसपास, हाँ गाइज़ 11.76 इसका वोल्टेज आ रहा है, एंड इसको अब फुल चार्ज करेंगे तो गाइज़ 12 वोल्ट के ऊपर चल जाता है इसका। तो गाइज़, इस बैटरी से हम ये 775 DC मोटर को चला के देखने वाले हैं। इससे हमने ड्रिल मशीन बनाई थी गाइज़, इसकी वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, इसको चला के देखते हैं हम। तो गाइज़, इस बैटरी से गाइज़ काफ़ी पावरफुल तरीके से हमारी ये 775 DC मोटर हमारी चल रही है। तो गाइज़, देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है ये। तो गाइज़, वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।